आप सबको अजय दीप वाधवा का नमस्कार। हम प्रायः बोलते हैं या सुनते हैं कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी नाम रख लो, पर हम ऐसा बोलते हैं, पर वास्तविक जीवन हम क्या करते हैं? हम वास्तविक जीवन में अपने नाम को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। हम अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, अपने कार्यालय के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, हम कई बार ऐसी चीजें बनाते हैं या ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाते हैं जिनके नाम इस प्रकार हम रखते हैं कि हमारे ना रहने के बाद भी मेरे या मेरे परिवार का नाम वहां पर हो। यानी अगर नाम में कुछ नहीं रखा है तो अपने नाम को रोशन रखने के लिए, अपने नाम को लोग बाद में मेरे जाने के बाद याद रखें, इसके लिए हम इतनी चेष्टा क्यों करते हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा नाम जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्यारी चीज है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे प्यारी चीज होती है। अगर कोई मेरे नाम का गलत उच्चारण करे या मेरे नाम के साथ कोई अपशब्द बोले तो मुझे खराब लगता है। लोग कई बार लड़ जाते हैं कि मेरे परिवार का नाम तुमने खराब किया या तुमने मेरे परिवार के नाम के ऊपर ऐसी बात कही। लोग परिवार के नाम के लिए जान दे देते हैं। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि नाम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब भी हम किसी का नाम लें तो उसका नाम हम सही नाम लें, उसके नाम को हम बिगाड़े नहीं। मुझे याद है मेरे एक उच्च अधिकारी थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे पर एक उनमें बुरी आदत थी, वो किसी का नाम सही नहीं लेते थे। जैसे अगर रवि को बुला रहे हैं तो वो कहते थे उस्तानपुरा रवि को बुलाओ, क्योंकि वो पंडित रविशंकर के नाम से रवि था। अच्छा विनय को बुलाओ, मोटा विनय को बुलाओ, या विनय जी थोड़ा मोटे थे। कहने का मतलब वो सबके नाम के साथ कुछ अपशब्द लगाते थे, कुछ ऐसे शब्द लगाते थे जो हमें नहीं लगाने चाहिए, और इसीलिए वो उच्च अधिकारी काफी ज्यादा लोगों से, मैं बोलूंगा जो उनको प्यार लोग नहीं करते थे, लोगों की इज्जत नहीं करते थे पीठ के पीछे, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो लोगों के नाम के साथ कुछ अलग अलग बातें लगाते थे, अलग अलग शब्द लगाते थे और लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था। आपने कई बार देखा होगा जैसे मेरा नाम है वाधवा। अब वाधवा बहुत प्रचलित नाम नहीं है, बहुत कॉमन नाम नहीं है। अब कई लोग मुझे वाधवा बोलते हैं, कोई लोग बधवा बोलते हैं। जब मुझे ऑफिस कार्यालय में लोग लिखते हैं तो मेरे स्पेलिंग तो प्राय वो गलत लिखते हैं। मैंने एक बार और देखा है कि जीवन में जो सफल लोग हैं वो किसी का नाम अगर टफ होता है या पहली बार सुनते हैं तो उसको वो पहले बुलाकर नाम को समझते हैं। मैं नाम लेना चाहता हूँ, मेरे एक डायरेक्टर फाइनेंस थे डॉक्टर AK सरकार, जब उन्होंने मुझे पहली बार बुलाया तो कहा आपका नाम अजय दीप वाधवा। उन्होंने 2-3 बार वाधवा वर्ड को उच्चारण किया। अब मुझसे पूछा मैं क्या सही उच्चारण कर रहा हूँ, मैंने कहा जी सर। उसके बाद उन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग WADHWA इसको उन्होंने कई बार लिखा, और उसके बाद मैं उनके साथ 3-4 साल काम करता रहा। जब भी उनका कोई नोट, प्राय 1-2 नोट तो उनके प्राय आते थे मेरे पास, या कोई लेटर को मुझे मार्क करते थे, वो हमेशा मेरा पूरा सही नाम लिखते थे। और जब भी वो कहीं भाषण देते थे और मुझे रेफर करते थे तो मेरे नाम का वो सही उच्चारण करते थे। उसके विपरीत एक मेरे GM थे जो मैं अब भूल चुका हूँ, वो हमेशा मेरा नाम का गलत उच्चारण करते थे। वो मेरे साथ 20 साल रहे, 20 साल मैं उनके साथ काम कर रहा, बहुत जूनियर से लेवल से मैंने काम किया, पर ना उन्होंने कभी मेरा नाम सही ढंग से लिया ना सही ढंग से लिखा। तो मैं डॉक्टर AK सरकार का इसलिए आज भी नाम लेता हूँ कि वो इसलिए बहुत सफल थे कि वो लोगों की छोटी छोटी भावनाओं का ध्यान रखते थे। वो मेरा ही नहीं, और भी जिनके नाम टफ होते हैं जो कॉमन नाम नहीं होते हैं, उन नामों को वो ध्यान से रट लेते थे, याद कर लेते थे, और नाम उनका सही उच्चारण भी करते थे और सही उसको वो ढंग से लिखते भी थे। हमें यह याद रखना चाहिए जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हर व्यक्ति को अपने नाम से बहुत प्यार होता है, तो हमें अपने जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी को नाम से, उसके नाम से संबोधित करें तो उसके नाम को अच्छे से लें, सही उच्चारण करें। अगर गलत उच्चारण हो रहा है तो उसे माफी मांगे, क्षमा मांगे, और फिर कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि अगली बार जब उसको बुलाएं तो उसको सही नाम से बुलाएं। नाम के साथ कोई, जैसे मैंने कहा मोटा, दुबला, गंजा, ऐसे शब्दों का, ऐसे चीजों का प्रयोग ना करें। और जब उसका नाम लिखें तो बिल्कुल स्पेलिंग सही लिखें, उसे पूछ लें कि अपने नाम के साथ वो क्या स्पेलिंग लिखते हैं, क्योंकि कोई लोग एक ही नाम के 2 स्पेलिंग भी यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, क्या स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, उसको जान लें और उसको सही ढंग से उसके पत्र वगैरह में उसको उसी सही नाम से संबोधित करें। जब किसी के नाम को प्यार करते हैं, किसी के नाम को इज्जत से लेते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में अच्छी भावना आती है और वो हमें रिस्पेक्ट देता है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।